गेरा की गली में आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल इस समय तैनात कर दिए गए हैं और एडिशनल रीइंफोर्समेंट को बुला दिया गया है। आज 3:45 पर जब दो फौज की गाड़ियां जा रही थी, आतंकवादियों ने घात लगाकर उन दो गाड़ियों पर हमला किया जिसमें 3 फौजी जवान मारे गए और 3 का जख्मी है और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। यह ऑपरेशन कल शुरू हुआ था जब आतंकवादियों के प्रेजेंस की फौज को खबर मिलती है। जैसे ही उन्हें खबर मिलती है तो वहां पे ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाता है। आज एडिशनल रीइंफोर्समेंट लेकर ये गाड़ियां जब उस डेरा की गली इलाके में जा रही थी उस वक्त आतंकवादी जंगल से निकल कर आते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग में 3 फौज के जवान शहीद हो जाते हैं और 3 इस समय इंजर्ड हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। और आप देख सकते हैं जितने भी सड़कें इस समय डेरा की गली इलाके की तरफ है वहां पर पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर इस समय आप देखेंगे सुरक्षा बल के जवान खड़े हैं और सड़कों पर भी प्रॉपर तलाशी और चेकिंग की जा रही है। जो भी कोई गाड़ी उस इलाके में मूव कर रही है उसकी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है, लेकिन बहुत सारी जगह पर नाके लगा दिए गए हैं और किसी को भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। इस समय ऑपरेशन वहां पे चल रहा है। बताया जाता है 4 से 5 के करीब आतंकवादी हो सकता है जंगल के इलाके में छुपे हों। और ये तीसरा बड़ा एम्बुश इस साल, पहला हमने देखा अप्रैल के महीने में तोता गली में जब 5 जवान शहीद हो जाते हैं, उसके बाद कालाकोट एरिया में जब 5 पैरा के जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं ऑपरेशन में, और एक बार फिर से आतंकवादी हमारे बहादुर जवानों को हमला करते हैं जिसमें 3 जवान शहीद हो जाते हैं। इस समय यहां पे ऑपरेशन चल रहा है। बताया जाता है कि 30 के करीब हो सकता है आतंकवादी इस पूंछ रजौरी के इलाके में, क्योंकि लगातार उनकी पूरी कोशिश है यहां पे हालात खराब किए जाए, क्योंकि उनकी कोशिश इसलिए क्योंकि वो चाहते नहीं यहां अमन अमान रहे, क्योंकि एक चीज पाकिस्तान कभी भी नहीं देख सकता वो है यहाँ के लोगों के चेहरे पर मुस्कान। उन्हें मालूम है कि पिछले कई महीनों में हालात यहाँ पे सुधरे हैं, आतंकवाद खत्म हुआ है, टेररिज्म की जगह यहाँ पे टूरिज्म देखने को मिलता है और यहाँ पे जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी एक बहुत बड़ा उछाल आया है और काफी इंप्रूवमेंट हुई है। लेकिन पाकिस्तान की कोशिश यही रहती है कि लगातार यहाँ पर आतंकवादी हमले करके एक बार फिर से यहाँ पे नॉर्मलसी को खत्म किया जाए और एक बार फिर से लोगों की आंखों में आंसू देखने को मिले। लेकिन हमारे सुरक्षा बल इस समय पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इन आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी ढेर कर दिया जाए, क्योंकि एक मैसेज जो है पैगाम दे दिया गया है सुरक्षा बलों को उनके अफसरों द्वारा कि कुछ भी हो इन आतंकवादियों को छोड़ा ना जाए। जम्मू कश्मीर के लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं देख सकता, इसलिए पूरी कोशिश है कि साउथ और पीर पंजाल का इलाका जैसे खासकर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का इलाका है पुंछ रजौरी, यहाँ पे हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा है कि इस साल जनवरी 1 को कैसे डांगरी में अटैक किया और उसके बाद से आप देख सकते हैं कितने यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि इन आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी मार गिराया जाए। चप्पे चप्पे पर आपको फौज नजर आएगी और पूरा ये जंगल का इलाका है, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है। इस टेरेन की जंगल के अंदर जाकर उन आतंकवादियों को मारना क्योंकि एक एडवांटेज रहता है आतंकवादियों को, क्योंकि एक तो जंगल के अंदर छुपे होते हैं, दूसरा यहाँ पे केव हाइड आउट है, केव हाइड आउट के अंदर रहते हैं और वहां से उन पूरी नजर रहती है। यही एक वजह है कि कभी कभी फौज की कैजुअल्टी हो जाया करती है, इसीलिए इस समय पूरे प्रिकॉशनरी मेजर लिए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है जल्दी से जल्दी इन आतंकवादियों को मार गिराया जाए, क्योंकि बताया जाता है कि ये 3 से 4 के करीब आतंकवादी थे जो जंगल से निकल कर आए और जिन्होंने फौज की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उसके बाद से यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है और वहां पर एनकाउंटर भी चल रहा है।